हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गए एक और न्यू व्लॉग में आप सभी के साथ। तो आपको लग रहा होगा मैं आज नीचे क्यों बैठा और व्लॉग ऐसा क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, हम इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए घूम रहे थे, इतने दिनों से दौड़ रहे थे, अपना पसीना बहा रहे थे, पेट्रोल वेस्ट कर रहे थे, कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए हम लोग। दूर से हम लोग गए रायपुर, सोचो रायपुर भी उसको ढूंढने पहुँच गए, लेकिन आज वो चीज़ मिली है। पर यार वैसी नहीं मिली, फिर भी हमें उस टाइप का मिल गया और वो चीज है रिंग लाइट। तो गाइस, हम जैसा सोचे थे, हमें जिस प्राइस में चाहिए था, हमें अपने हिसाब से कैपेबल और प्राइसलेस थोड़ा चाहिए था हमें, और कंपनी भी रहे, लाइट भी अच्छी आए, ऐसा हमें चाहिए था। तो उस टाइप का रिंग लाइट अभी हमें मिल चुका है। तो जो सोचा था हमने, जो कंपनी मैंने आपको बताया था HQ, वो तो हमने नहीं लिया, और शायद उससे कम भी है रेट इसका। तो HQ जो था वो 24 का था, और अभी हम लोग जो लिए हैं वो थोड़ा इससे बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये हमें बेटर लगा और इतना भी अच्छा है इसका में भी, और ये रिंग लाइट हमारे बजट में भी है और सभी इसे अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, और प्राइस के हिसाब से इसका लुक वाइज, इसका लाइट और इसका रेंज सही है बिल्कुल। तो यार बिना इंतजार के चलो अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे रिंग लाइट का। तो ये रहा वो रिंग लाइट, 12 इंच का है और रिमोट कंट्रोल, टच स्क्रीन पैनल सब है इसमें, और इसका रेट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो रेट भी एक बार सुन के जाना कैसा है। रेट के हिसाब से पहले मैं रेट नहीं बताऊंगा, पहले इसकी क्वालिटी बताऊंगा, उसके बाद आपको समझना है कि इसका रेट कितना हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, कुछ इस टाइप का है इसका बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिख जाएगा, रिंग लाइट LED, यहाँ पे आपको जो एसेसरीज इसके अंदर है वो भी आपको दिख जाएंगी। ये रिंग लाइट है, ये इसका होल्डर है, और ये इसका नीचे इसमें बहुत ही खास बॉल हेड भी दिया गया है हमको, और इसमें अडाप्टर है, और ये इसका रिमोट कंट्रोल, सबसे बड़ी बात इसमें हमको रिमोट कंट्रोल भी मिला है। और इसका रिंग लाइट, रिंग फिल लाइट नाम है इसका, रिंग फिल लाइट, रिंग फिल, अगर आप रिंग फिल बोलोगे तो आपको मिल जाएगा, इस कंपनी का ये। और यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, टेप हटा देता हूँ, पैकेजिंग के साथ आया था हमें। यहाँ पे हमें फीचर्स भी दिए गए हैं कि ये किस टाइप का आपकी क्वालिटी चेंज करेगा, वीडियो क्वालिटी चेंज करेगा। और अब हम लोग इसको खोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर ज़्यादा ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी इसका कुछ ऐसा लुक है। अब हम लोग इसको खोलने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले ऐसे सही से रख लेते हैं, और 1 2 3। तो गाइस ये देखो, ऐसा है कुछ लाइट, और लाइट मेरे को सही लगा 12 इंच के हिसाब से। इसका पट्टी भी मोटी है, मैं इसको खोलता हूँ, अब निकालता हूँ धीरे से। तो गाइस ये रहा, ऐसा है, और इसके अंदर हमें सबसे पहले मैं एसेसरीज दिखा देता हूँ आपको। ये हमें होल्डर मिल जाएगा, तो होल्डर की क्वालिटी भी मेरे को बहुत अच्छी है, और थोड़ी भारी है, बढ़िया है, ये फ्लेक्सीबल है, ये रैपर के साथ सब कुछ रैप्ड है। और ये हमें रिमोट मिल जाएगा, रिमोट इसलिए खुला है क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया था वहाँ पे, और इसके अंदर सेल भी आपको मिल गया है, डला लिए हमने, फ्री में डला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जो मैं मेन बोल रहा था, ये इसका बॉल हेड है, इसको भी बाद में मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगा, एक बार इसका लुक देख लो आप। ये है कुछ इसकी क्वालिटी, आपको कैमरे में पता नहीं चल रही, लेकिन ये बहुत भारी है, और इसमें लाइट भी आराम से फिक्स हो जाएगा, और भारी भी बहुत तगड़ा है, मस्त है ये, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसको भी साइड करते हैं। और ये इस बॉक्स के अंदर आता है हमारा अडाप्टर, और अडाप्टर में देख सकते हो कुछ ऐसा अडाप्टर है इसका, अडाप्टर की भी क्वालिटी, अडाप्टर कुछ इस साइज का है, और इसमें वायर भी बहुत लंबा दिया गया है, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वायर की दिक्कत होती हो तो इसमें आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। अब हम लोग मेन आते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतना मिलेगा जितना मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग मेन आते हैं लाइट के ऊपर। तो लाइट में आप देख सकते हो ऐसा है कुछ लाइट, और लाइट के ऊपर आपको पूरी रैपरिंग मिल जाएगी और पूरा पैकिंग। अब लाइट मैं खोलता हूँ एक बार, ये देखो, तो पास से देख लो इतनी मोटी इसकी विड्थ है, और इसका पूरा 12 इंच है ये पूरा, और टच स्क्रीन है पीछे पैनल। आपको लग रहा हो यहाँ कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, यहाँ भी कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन एक है कंट्रोलिंग, भाई यहाँ पे आपको मिलेगा टच स्क्रीन, पूरा टच सेंसर है, आपके टच से ये काम कर सकता है। और ये इसका वायरिंग, ये केबल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग इसे लगा के और चालू करके दिखाते हैं आपको। पर एक चीज जरूर, लाइट तो ले लिया, टंगाएंगे किसमें, हाथ में लटका के ऐसे थोड़ी ना लेंगे। लेकिन इसके लिए हमने माउंट भी लिया है, स्टैंड, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। और स्टैंड का यहाँ पे अगर आप दोनों को साथ में लोगे तो इसका जो रेट है आपको थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो
साथ में लेना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और स्टैंड दिखाता हूँ मैं आपको, स्टैंड जो है आपको बहुत सारी क्वालिटी का मिल जाएगा, पर आप अगर लेना चाहो तो हाई क्वालिटी में भी ले सकते हो, थोड़ा सा रेट का डिफरेंस आएगा पर ले सकते हो। 100 rupees हमको डिफरेंस पड़ा, हमने छोटा वाला भी स्टैंड देखा और बड़ा वाला भी, तो ये हमने लिया है बिग साइज स्टैंड। तो इसको निकालने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं इसका स्टैंड खोलने जा रहा हूँ। तो ये है इसका बिग साइज स्टैंड, भयानक भारी है और बहुत ही बढ़िया है इसकी भी क्वालिटी, पूरी रैपिंग आती है। और ये मैं इसका रैपर, एक बार फिनिश देख लो आप इसका, पूरा सेफ और न्यू मॉडल मिलेगा आपको, न्यू ब्रांडिंग भी दिख जाएगी आपको। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसी पे तो हमें लाइट फिट करके आपको पूरा सेटअप दिखाना है। तो ये जो है हम यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे खोल देंगे, जब इसको आप लूज करोगे तो आपको यहाँ से इसे हटाना है एक एक करके। ये यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स रहती है, यहाँ पे ये हट गई। अब अगर आप यहाँ पे पुश करोगे इसको कुछ इस तरीके का, तो ये यहाँ हमारा खुल जाएगा। अब इसे अगर आपको और भी सेफ्टी और बैलेंसिंग बनाना है तो आप इसे और फैला सकते हो, पूरा जितना चाहे उतना फैला सकते हो, और फैलाने के बाद आप पैसे भी कर सकते हो। क्योंकि मैं बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि जो ये है ना, अगर ये वाला हम खोलेंगे और ये थोड़ा पतला है, कुछ दिक्कतें आ सकती है, अगर आप इसका यूज नहीं भी करना चाहते, इस पे ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, तो ये नॉर्मली आपका ऐसे हमारा खुल गया था, नॉर्मली हमारा ऐसे खुला था ना ऐसे। अब जो इतना हिस्सा बचा है यहाँ पे, तो इसको फैलाने के लिए आपको यहाँ पे दम देना पड़ेगा। तो आपने दम दिया और ये देखिए हो गया ना। इसके साथ साथ हमारा क्या हुआ, एक फायदा, हमारा स्टैंड बिना इसके यहाँ के लंबा करने के बदले यहीं से लंबा हो गया, समझे? तो ये भी एक फायदा है। अब इसको यहाँ पे टाइट करना है आपको, अभी ऐसे करोगे तो यहाँ पे गिर सकते, तो यहाँ पे ये टाइट हो गया अपना बढ़िया से। और ये अब एक बार मैं इसकी पूरी लंबाई निकाल दूं आपकी, आपको तो ये इसका वो सबसे टॉप वाला जो करीब इतना लंबा जाता है। अब इससे लंबा आपको क्या काम है भाई, कहीं ना इस पे टंग के पंखा चलाना है या हवा खाना है, आसमान में तो ही ना पहुंचा देगा। अब फिर भी अगर आपको इसमें लंबा काम है, बड़ा ताम झाम है, तो ये वाला नीचे वाला खोलोगे और ये देखो, ये लो। अब बोलो आया मजा, इतना लंबा है ये, सोचो मेरे हाइट से ज्यादा ही लंबा चला गया, तो इतना लंबा है ये, बहुत ही बढ़िया। और इसमें जितना भी वजन डालो, कितना भी वजन, हैवी चीज, छत्ता जो आप देखते हो ना स्टूडियोज में रहते हैं, छत्ते टांगने के लिए बहुत कुछ, तो वो भी आप डाल सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने रिंग लाइट के हिसाब से इतना हैवी स्टैंड क्यों लिया, ये भी आप सोच रहे हो आपके दिमाग में आया होगा, पर मैं आपको बता दूं, रिंग लाइट के हिसाब से हमने इतना हैवी स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि फालतू का बाद में झंझट ना हो। अब लोग ने पहले आपने छोटा स्टैंड ले लिया, फिर अगर आपका मन किया और भी ज्यादा एसेसरीज लेने का, जिसके लिए हमें बड़ा स्टैंड चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, तो फिर आपको फिर पैसा वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा जरूरत क्या है पैसा बार बार वेस्ट करने का, एक बार लगाओ तो सही काम पे लगाओ और सही माल भी पाओ। तो उसी के हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत हुई ना, इसमें कुछ भी फिट कर लो, रिंग लाइट इसमें बड़ा तो ही ना लगेगा, छोटा तो ही ना लगेगा, कोई दिक्कत है क्या? किसी भी टाइप के ये यूनिवर्सल है, एक बात और बता दूं, ये यूनिवर्सल है। अब हम इसको खड़ा तो कर लिए, अब इसमें रिंग लाइट लगाते हैं, तो फट से पहले रिंग लाइट सेटअप करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And अब गाइस बारी है इसका, ये है रिमोट कंट्रोल जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब मैं यहाँ से आपको प्लग चालू करता हूँ, प्लग चालू करने पे ये ऑन नहीं होगा, और सबसे पहले मैं लाइट ट्रिम कर देता हूँ। प्लग चालू करने पे ये ऑन नहीं होगा, इसके पीछे आपको ब्लू लाइट दिख रही होगी, ये देखो दिख रही है,
ब्लू लाइट ये चालू होगी और जब ये रिंग लाइट चालू होगा तब ये ब्लू लाइट ऑफ हो जाएगी। अब मैं आपको टच सेंसर नहीं दिखाता, पहले पहले मैं आपको रिमोट कंट्रोल सेटअप दिखा देता हूँ। बस इसमें ज़्यादा फीचर नहीं है, रिमोट में भले स्विच ज़्यादा दिए पर सब काम अपने तरीके से करेगा। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑन का स्विच दिया है और अब बारी है इसकी। ये देखो ऑफ, ये ऑफ, इसको वापस ऑन करते हैं। अब इसमें मोड आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मोड सेक्शन भी, यहाँ पे भी, ये दोनों बटन से मोड चेंज होता है। अब ये देखो ये प्योर वाइट चांद की कलर। अब ये देखो डार्क पूरा मतलब ब्राउन। अब ये वापस चेंज करता हूँ, ये वापस नॉर्मल में। अब इसको मैं कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इस बटन से दबाओगे तो आपको अपराइट नहीं, इसी को दबाते रहोगे तो वो कम ज़्यादा दोनों होगा, आपको किस में छोड़ना है ये देख सकते हो। और यहाँ पे इससे आप नॉर्मली कम ज़्यादा कम पे छोड़ सकते हो, इस पे भी और इस पे भी कम ज़्यादा, इससे भी होगा। और यहाँ पे है इसका वही, इसको दबाने पे वापस मोड चेंज होगा और ये प्लस माइनस करने का है और ये जो है सेक्शन वापस चेंज करने का। इतना इसमें रिमोट में फंक्शन है और पूरा रिमोट कंट्रोल है। अब बस बारी है, आपने तो रिंग लाइट देख लिया, मैं इसको फुल में कर देता हूँ। पहले फुल में मारता हूँ इसको, ये इसका फुल है। अब बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक बार देखो क्या मस्त आ रहा है, रोशनी फेस पे बहुत बढ़िया आ रहा है। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाने ही भूल गया यार, ये है इसका बॉल हेड। अब मैं आप, ये हमको ना रिंग लाइट की तरफ से मिला है, इसमें स्टैंड की तरफ से नहीं मिला है। इसमें क्या होता है ना, अगर आपका स्टैंड आपको ख़राब नहीं करना है और स्टैंड जो है उसमें जो चूड़ी रहती है वो ख़राब ना हो, इसलिए आप इसको यूनिवर्सली फिट कर दो और इसके ऊपर आप बॉल हेड। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये यहाँ से मूव नहीं होगा, ये ऐसी स्टैंड रहता है। अब इसको फट से मैं चेंज करता हूँ इसके साथ। टच स्क्रीन में भी यही फंक्शन है गाइज, यहाँ पे ऑफ ऑन, यहाँ पे मोड चेंज, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। बस अब मैं बॉल हेड फिट करता हूँ। ये है इसका माउंट और ये भारी भी बहुत बढ़िया तगड़ा है इसका माउंट, ये यहाँ पे यूनिवर्सली फिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया से फिट हो गया, फिट हो गया ये। अब आपको इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही को रहने देना। अगर ये ख़राब होगा चूड़ी तो आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो, इसको हटा देना, बस इस पर ये वाली चूड़ी को यूज़ करना बस। इसलिए तो ये आपको लेकिन स्टैंड के साथ नहीं मिलेगा। अगर आप को दिक्कत है, अगर आपने लाइट नहीं लिया, अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बॉल हेड का सिस्टम फिट हो चुका है और थोड़ा लाइट कर देता हूँ। बॉल हेड का सिस्टम फिट हो चुका है, ये देख सकते हो, ये है इतना सा सॉकेट इसका बॉल हेड का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपका ये वाला ग्रिप ख़राब ना हो और इसका भी ग्रिप ख़राब ना हो चूड़ी। ये तो है एक सिस्टम, अब मैं इसका दूसरा सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखो, अभी पहले हमने इसमें फिट किया था तो ये मूव नहीं कर सकता था, इसको मैंने लूज़ किया, ये देखो ये पूरा अपनी जगह पे सिस में ये राउंड कर सकता है। अगर आपको ऐसे लेना है कोई शॉट, जैसे आप यहाँ कुछ लिख रहे हो, अगर आपको उसको दिखाना है, फोकस करना है। और लाइट भी एक बार चालू कर देता हूँ इसी में, मैं इसी के साथ साथ ये टच स्क्रीन से चालू भी हो गया। अगर आपको इसमें फोकस करना है, इसको घुमाना है, रोटेट करना है, ये लो इससे सीधा भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया है, इधर भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे तो कुछ ऐसा फेस ब्यूटी आपको दिख रहा होगा। रिमोट कंट्रोल से मैं आपको कंट्रोल भी करके दिखा देता हूँ, ये और मोड भी। तो गाइस यार, जैसा कि आपने देखा, आपको पसंद आया तो कमेंट करके बता देना। रिंग लाइट तो आ चुका है और ये रिंग लाइट मेरे कोई काम नहीं आने वाला क्योंकि मैं तो अपना ऐसी बनाता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा काम हमारी बहन रन्नू पांडे का आएगा क्योंकि वही इंस्टाग्राम पे बनाती है। अगर आपको उसको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना है तो आप उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब मेन बात पे आते हैं यार, बहुत दिनों से हमारे टाइम वेस्ट हो रहा है और पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। पापा भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे लिए खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। यार पापा तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यार सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें आपका भी चाहिए, तो इसमें ज़रूरी है कि आप भी हमें सपोर्ट करें और आप भी हमारी फैमिली जैसे हो। तो प्लीज़ भाई समझ के, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई समझ के प्लीज़।
प्लीज़ चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। यार मेहनत लगती है, मेहनत कर रहे हैं हम, मेहनत का फ़ायदा, मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। प्लीज़ यार हमारे मेहनत के लिए लाइक और सपोर्ट और प्यार। तो यार पापा का तो बहुत खर्च करा दिए अभी हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, जब मैं कमाऊंगा तब पापा को भी दे दूंगा, पापा के लिए तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार मेरे लिए आप करो प्लीज़, सपोर्ट करो और चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और यार बहुत टाइम से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा यार? फैमिली हमारी इतनी छोटी है, इतने कम दिल वाले हैं हम इंडियंस, दिल वाले हैं यार, दिल वाले, समझ रहे हो ना? तो करो यार अपना दिल बड़ा करो और अपने दिल से सब्सक्राइब करो, अच्छा वीडियो को लाइक करो प्लीज़ गाइस प्लीज़। बस यही मैं चाहता हूँ और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ हमें लाइक एंड सपोर्ट करिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। तो वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, आज के लिए बस इतना ही, और जो मैंने बोला है प्लीज़ कर देना, आप हमारे लिए इतना कर सकते हो। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, टाटा बायो।